हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। गाइस तो अभी मैं जा रहा हूँ मनाली, अभी मैं पहुँचा हूँ सेंज। तो थोड़ी देर पहले मैं आ गया था यार, मेरा किंगल में थोड़ा सा काम था तो पेमेंट वगैरह देने को थी किसी से, तो मैं अभी गया किंगल, वो अभी आ गया मैं वापस, अभी मैं वापस पहुँच गया हूँ सेंज। तो यहाँ पे मेरे पार्टनर्स वगैरह जो वो मेरा वेट कर रहे थे और अभी मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। और ये देखो गाइस कितना सारा सामान है, अब मनाली शिफ्ट होने वाला हूँ मैं। तो मनाली क्यों जा रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है गाइस, उधर मेरा होटल है तो आप लोगों को भी आना होगा तो आना। और बाकी मैं आपको मनाली का पूरा अपडेट बताऊंगा कि कैसा कैसा अभी वहाँ पे है, कैसी सिचुएशन है, क्या क्या रोड उधर ख़राब हुआ था, जितना भी मतलब उधर मैं भी उस टाइम उधर ही था, मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सीन था उस टाइम भाई वहाँ का। अभी मैं मिलाता हूँ आपको जो मेरे पार्टनर है मेरे साथ जा रहे भाई, ऐसे क्रेजी बंदे, चार बंदे तो चार गाड़ी लेके जा रहे हैं अलग अलग। तो गाइस ये मैं पहुँच गया हूँ अभी सेंज, ये है अपनी गाड़ी, ये है अपने मंच मामा, रिश्ते में ये हमारे मामा लगते हैं। ये है हमारे अक्षय शर्मा जी, स्मार्ट बॉय। बस कितना रिकवरी होगी है और कितना पहले था नुकसान हुआ, तो ब्लॉग को लास्ट तक देखना भाई, मैं पूरा दिखाऊंगा। मैंने उस टाइम भी देखा ना जिस टाइम बाढ़ आई है, मेरे को पता है कि क्या क्या चीज़ें डैमेज, उस टाइम अब क्या क्या ठीक हो गई है ना, मैं आपको दिखाऊंगा पूरा दिखाऊंगा। तो अभी मैं लूरी से निकल गया हूँ, रूट आपको मैं एक बार अपना चेक करवा देता हूँ हम किधर किधर से जा रहे हैं। तो पहले गाइस हम जाएंगे लूरी से जलोरी पास होके बंजार को, बंजार से ऑट और ऑट से कुल्लू, कुल्लू से मनाली। होटल भी हमारा ओपन हो चुका है तो होटल भी दिखाएंगे आपको भाई। ये है वो स्पॉट जहाँ पे अन्नी में दिखाया था कि बिल्डिंग बहुत सारी मतलब एक साथ ही गिर गई थी, तो अभी एक नया रास्ता बनाया है जो कि बस स्टैंड के अंदर से है और हम गलत आ चुके हैं, गाड़ी मोड़नी पड़ेगी यहाँ पे। गाइज मैं आपको बताता हूँ, ये सारी बिल्डिंग्स थी यहाँ से उधर तक जो कि अब सारी गिर चुकी है। ये देखो भाई ये अभी बजने वाले है गाइस 3 जिमनी। तो अभी जाना है भाई अपने को वो चोटी जो दिख रही है ना अब उसके टॉप पे, और फिर वहां से उतरना है दूसरी साइड से नीचे को। तो भाई व्यू चेक करो, तो अभी आ गया हूँ भाई मैं खनाग से ऊपर, जलोड़ी जोत पहुँचने वाला हूँ। तो भाई यहाँ की जो चढ़ाई है ना भाई, ये देखो फर्स्ट सेकंड गियर में भाई, ये देखो गाड़ी को कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, मतलब यार हद से ज़्यादा चढ़ाई है, थोड़ी देर बाद तो रेस्ट देना पड़ेगा गाड़ी को। देखो सेकंड गियर में चला रहा हूँ अभी। तो ये पहुंच चुके हैं गाइस हम जलोरी जोत, इधर का तो सिस्टम ही चेंज है यार, इधर को गाड़ी पार्क करते हैं। ये रहा मंदिर, ये अपने बॉयज भी इधर पहुंच चुके हैं, पहले मैट था यार वो नीचे मैट। तो गाइस जितने भी यहाँ होटल वगैरह थे जहाँ पे मैगी मिलती थी वो अब इधर को शिफ्ट कर दिए है। अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से जलोड़ी जोत से। अब जलोड़ी जोत से यार जितना भी रोड है ना वो सारा ढलान वाला है, बिल्कुल बंजार तक बिल्कुल उतराई है। तो इसमें भी गाइस यार एक चीज़ होती है ना, यहाँ पे भी यार इसमें फर्स्ट और सेकेंड गियर में उतरना पड़ता है, नहीं तो यार ब्रेकें गर्म हो जाती है। एक बार हुआ था यार इधर मेरे साथ ना, मतलब मैं थर्ड गियर में चला था, उस टाइम नई नई गाड़ी सीखी थी तो थोड़ी आगे जाके मतलब मेरी ब्रेकें काम करनी बंद कर दी थी, मतलब गर्म हो गए थे जो लेदर होते हैं ना ब्रेक लेदर, वो गर्म हो गए थे
तो इसमें यही ध्यान रखना पड़ता है यार कि जिस गियर में मतलब चढ़ाई में चढ़ेगी गाड़ी उसी में उतारो, फिर ब्रेक भी गर्म नहीं होगी और आप भी सेफ। ये देखो गाइस यार कितना सही व्यू है इधर। तो गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ ग्यागी। ये देखो यार एक जगह। हाँ मेरे ये पहुंच गए भाई बंजार। तो अभी भाई थोड़ी गाड़ी ठंडी होने देते हैं, थोड़ी गर्म होगी होगी उतराई में, तो चलते हैं थोड़ी देर में यहाँ से। अभी टाइम हो रहा है गाइस अभी 6 बजने वाले हैं, अभी हम बंजार पहुँचने वाले हैं। अभी थोड़ी गाड़ी को रेस्ट दिया था यार, ब्रेक्स वगैरह गर्म हो गई थी ना इनकी, तो रेस्ट दिया था थोड़ा सा। अब निकलते हैं यहाँ से। शर्मा जी हेलो मैन, फूड ब्लॉगिंग खाओ क्या? कैसा है शर्मा जी? बहुत मजा आ गया। कैसा है? ओके तो मैं खा रहा हूँ मोमोज। ये है बंजार से 2 किलोमीटर पीछे। यहाँ से आगे है गाइस बंजार का बाजार, तो यहाँ पे यार काफ़ी ट्रैफिक लगा है आगे। ये देखो गाड़ी वगैरह बड़ी बड़ी फंसी है। तो ये है अक्षय की गाड़ी, इसके आगे हिमांशु भाई की गाड़ी। तो भाई यार अभी हो गया अपने साथ सीन, थोड़ा सा आगे रोड ब्लॉक है, मतलब वहाँ पे किसी ट्रक वाले का एक्सल खुला होगा ना, तो अपने को वापस अब जीबी जाना पड़ेगा। वहाँ से फिर जीबी से कोई लिंक रोड है तो उधर होके जाना पड़ेगा। चलो चलो। तो भाई अभी हो गया अपने साथ ऐसा सीन जहाँ पे मतलब वो एक्सल टूटा ना ट्रक का, बस उसके 1 किलोमीटर आगे निकलेंगे अभी हम। तो भाई उसके लिए अपने को 30 किलोमीटर वापस मुड़ के एक लिंक रोड में जाना पड़ा। तो भाई से ज़्यादा बेवकूफ़ किसका बन सकता है भाई। जैसा कि आप देख सकते हो यार ये रोड बड़ा डेंजरस है, मतलब इधर तो गाड़ी गुड़ी निकालना बड़ी मुश्किल है। ये देखो भाई सो फाइनली गाइस अब पहुंचे हम ऑट टनल। तो यार अभी 9:30 टाइम हो गया है। मामा यार उस रूट में बड़े खजल हुए यार, बहुत ही ज़्यादा। जो गाड़ी तो भाई इन दोनों ने भगाई है ना, इनके पास है अल्टो K10, तो उसका इंजन होता है गाइस 1000 cc, अपना 800 cc है। तो भाई इनको पकड़ना मुश्किल ही है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है अभी तो साथ में ही है, मतलब यहीं आ गई है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कहीं मतलब मैं इनसे आधा पौना घंटा लेट पहुँचूँ, क्योंकि यहाँ से तो 4 लाइन है, ये तो गज़ब भगाएंगे। चलो चलते आराम से, देखते हैं कब कौन पहुंचता है। ये तो थोड़ा ये ऐसा है कि ये गलत रूट में चले गए थे, फिर मैं इनसे आगे निकल गया था, बाकी मैं पहले से इनसे पीछे चला हूँ। फिर इस गाड़ी को हो भी गया यार 15 साल, तो मतलब इस पर रिस्क ज़्यादा ले भी नहीं सकते, इतनी ज़्यादा तेज भगानी या कुछ भी। चलो आराम से चलते हैं। मनाली अगर कोई आना चाहता ना भाई, तो मतलब ये जो भुंतर के 8-10 किलोमीटर पहले टोल है ना, तो खुशखबरी ये है कि भाई टोल कहीं नहीं कट रहा है। आप आओ घूम के जाओ, टोल की कोई टेंशन नहीं। गाइस यार फाइनली मैं पहुंच गया हूँ मनाली से 4-5 किलोमीटर पीछे। तो भाई ये ग्रीन टैक्स एरिया है जहाँ पे हम लोग होते थे। यहाँ पे यार ऐसी रौनक लगी होती थी, मतलब मेला सा लगा होता था, इतना रश, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ फुल ऑन भाई। ये पता नहीं इधर तो अलग ही सिस्टम है। तो अभी भाई मैं डिटेलिंग वीडियो तो बना नहीं पाऊँगा इन चीज़ों की, कितना नुकसान है कितना क्या है, तो कल मैं टाइम निकाल के आ जाऊँगा, एक ब्लॉग बनाऊँगा जिसमें पूरा मैं दिखाऊँगा कि भाई कितना डैमेज है, कितना पहले ठीक हुआ करता था अब कैसा हो गया है। मतलब यहाँ तक तो यार 3-4 किलोमीटर पहले तक तो जितना भी रोड था ना, मतलब एक पैच था थोड़ा जो मतलब जो ऐसा था बिल्कुल है ना, बिल्कुल ख़राब सा थोड़ा, मतलब बाकी तो रोलर से मतलब ओके कर दिया है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 100-200 मीटर का पैच हो गया, 4-5 पैच हो गया हार्डली।
ये पैच थोड़ा खराब है मनाली के तीन चार दो तीन किलोमीटर पहले से थोड़ा रोड खराब है, बाकी अब कर दिया है क्लियर, बाकी ओके रिपोर्ट। ये गाड़ी आ रही, मेरी गाड़ी है, कम से कम 40-40 की स्पीड में जो वो पैच थे वो कच्चे वाले। तो फाइनली गाइस 10:30 हो रहे अभी टाइम, ये अभी पहुंच गया मैं मनाली। ये है होटल डे एंड नाइट, ये अपने भाई जी गई है, तो अभी यहाँ पे डिनर वगैरह करते हैं। ये लोग तो पहले ही पहुँच गए इधर, चलो चलते हैं। अभी मैं मनाली पहुँच चुका हूँ, तो मैं अभी डे एंड नाइट वाले यहाँ पे डिनर वगैरह करना था, उसके बाद निकलना था अपने होटल। तो कल मैं आपको डिटेलिंग वीडियो दिखाऊंगा कितना रोड ख़राब है, क्या है कुछ। अभी अंधेरे में तो यार क्या दिखाना, मतलब ज़्यादा नहीं है ख़राब, आप आ सकते हो। तो कल का ब्लॉग ज़रूर देखना। तो करते हैं यहीं पे वीडियो को एंड, और मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।